खबरें जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक और शहर से लेके गांव तक हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं तब से हिंदू युवा वाहिनी की हनक बढ़ गई है। हर सरकारी विभाग हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को तवज्जो देती है क्योंकि इस संगठन के संरक्षक खुद योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन गाजीपुर जिले में दूसरी धारा ही बह रही है। यहां पर हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर अवैध वसूली और पशुओं से लदे वाहन को पार कराने के लिए कुछ फर्जी लोग अपने वाहनों पर हिंदू युवा वाहिनी लिखवा कर फर्जीवाड़े कर में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के थाना सैदपुर में कल रात देखने को मिला, जहां पर एक इंडिको गाड़ी पर हिंदू युवा वाहिनी लिखवा कर उसमें बैठा शिवानंद सिंह, जो पशुओं से लदे गाड़ियों को पास कराने में व्यस्त था। इसकी जानकारी जिले के हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष और महामंत्री को लगी तो इन लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए फर्जी रूप से हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य शिवानंद सिंह को पकड़ लिया। इस दौरान आज सुबह जब हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री राकेश जायसवाल ने थाना अध्यक्ष से कार्रवाई के बाबत जानकारी चाही तो थाना अध्यक्ष ने उन पर पुलिसिया रौब झाड़ते हुए फोन पर ही बदसलूकी किया। इस बात को लेकर इन लोगों ने पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी, तब सैदपुर पुलिस ने पकड़े हुए फर्जी हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किया। मामले में पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि फर्जी हिंदू युवा वाहिनी का सदस्य बन शिवानंद सिंह पैसे की वसूली कर रहा था, जिसकी सूचना हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों द्वारा दी गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। शिवानंद सिंह उर्फ शिवा, पिताजी का नाम पराहु सिंह। पराहु, जोर से बोला। पराहु सिंह। और पता मलिकसापुर देवचंद बोला पूरा मलिकसापुर देवचंदपुर। हाँ। थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर। मोबाइल नंबर बताओ अपना। बोलो इसे 7398। हाँ। 620। हाँ। 134। देखिए, कल रात को हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि सैदपुर रेलवे क्रॉसिंग पर एक इंडिगो गाड़ी है जिसका उड़ीसा नंबर है OR करके था नंबर, और वो अभी एक घंटे पहले पशु की गाड़ी को छोड़ा है पैसा लेकर के। और इसकी सूचना हम लोगों को बहुत दिन से मिल रही थी, विगत 7-8 महीनों से, कि इस नाम का शिवा सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो सैदपुर करंडा नंदगंज इस क्षेत्र में पशु तस्करी कराता है, पशु तस्करों से पैसा लेकर के गाड़ियों को पास कराता है। हमने SP गाजीपुर को फ़ोन किया। SP गाजीपुर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, तत्काल उन्होंने थानाध्यक्ष को फ़ोन किया सैदपुर। थानाध्यक्ष मौके पर पहुँच करके उसको गिरफ्तार कर लिए। जब उसकी गिरफ्तारी हो गई, मैं SO से बात किया कि SO साहब, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, ये हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता नहीं है। मैंने अपने जिला अध्यक्ष से पूछ लिया, जिला संयोजक, जिला प्रभारी, सारे लोगों से पूछ लिया, और मैं भी संगठन में बहुत दिनों से हूँ, मैं जानता हूँ इस नाम का कोई कार्यकर्ता उस ब्लॉक में मेरा नहीं है। तो SO साहब ने कहा कि ठीक है, आप जो है हमसे बहुत फालतू बात मत करिए, जो करना होगा कार्रवाई हम करेंगे। हमने कहा सर, हम तो आपसे सही से ही बात कर रहे हैं। तो SO साहब का रवैया नहीं ठीक था, हिंदू युवा वाहिनी के प्रति भी नहीं ठीक था, और वो खुद कह रहे हैं कि ये तो कभी जेल नहीं गया है। SO साहब को कैसे पता चला कि वो आदमी कभी जेल नहीं गया है? कहीं ना कहीं SO सैदपुर और वहाँ के कांस्टेबल एकाध दो इस कार्य में लिप्त है, शिवा सिंह के संरक्षण में वहाँ गौकशी का काम चलता है। हम यही चाहते हैं, जो कार्यकर्ता पकड़ा गया है, जो फर्जी कार्यकर्ता जो अपने आप को हिंदू युवा वाहिनी का बता रहा है, हमारा संगठन सामाजिक एवं सांस्कृतिक है, जिसके मुखिया पूज्य महंत जी हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी तय होती है कि हिंदू युवा वाहिनी जो संगठन विगत कई वर्षों से लगातार निसंकोच निष्भाव से काम कर रहा है, और पशु तस्करी पर जो संगठन रोक लगाया गया, उस संगठन के नाम को बदनाम करके ये पशु तस्करी में कहीं ना कहीं लिप्त है, तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कहीं ना कहीं बनता है संरक्षक होने के नाते। नहीं, वो हमारा कहीं दूर दूर तक कोई कार्यकर्ता नहीं है, ना वो कभी पदाधिकारी है, ना ही सदस्य रहा है मेरा। वो हिंदू युवा वाहिनी के नाम का दुरुपयोग कर रहा था,
और कहीं ना कहीं इसका फीडबैक सही नहीं था समाज में, जिसको मैं कल विगत 11 बजे रात को एसओ साहब को सूचना दी कि एक इंडिगो गाड़ी है जिस पे हिंदू युवा वाहिनी लिख करके और हमारे संगठन का नाम बदनाम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं गौ तस्करी में भी उसकी संलिप्तता पाई गई है। उसको पकड़ के उस पर उचित कार्रवाई करें। एसओ साहब ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, तहरीर दे दी गई है। अब देखते हैं सैदपुर थाना क्या करता है उसमें। इसमें एक शिवानंद सिंह का मां बात सामने आई है, जिनके गाड़ियों में ये हिंदू युवा वाहिनी के मेंबर नहीं है, तदवी ये अपने गाड़ी में हिंदू युवा वाहिनी की जो पोस्टर लोगों से लगा के चल रहे थे, इसमें इनके खिलाफ तहरीर पे वादी के तहरीर पे 420 की मुकदमा लिख गई है। इसमें पुलिस अग्रिम विवेचना और कार्रवाई कर रही है। इसलिए पकड़ा गया किसी को लगा गया कि ये जो है अपने जो प्राइमा फेसी जो बताया गया है कि ये जो हिंदू युवा वाहिनी के प्लेकार्ड वगैरह लगा के पोस्टर वगैरह लगा के गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करके शायद पैसा कमाने की व्यवस्था करते थे, जो कि गलत तरीका है। तो इसीलिए हिंदू युवा वाहिनी के जो ये गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जो जबकि हिंदू युवा वाहिनी के मेंबर भी नहीं हैं और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी को देखते हुए 420 का मुकदमा लिखा गया। इसमें विवेचना चल रही है।